हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका जीवन बचपन से बहुत ही रोमांचक रहा है एवं जिसके साथ लाइफ में हमेशा ही रोमांचक चीज़ें होती रही हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको उनके लाइफ के बारे में जानकर मज़ा ही आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेट MLM लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर एवं यूट्यूबर हर्षवर्धन जैन सर के बारे में। हर्ष जी का जन्म सन 1980 में जयपुर से 18 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव के मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। हर्षवर्धन जी के पिताजी जयपुर डेयरी में वेटरनरी डॉक्टर का काम करते थे, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब थी, व उनकी माताजी हाउसवाइफ थी। हर्ष ने अपनी क्लास 7th तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से, 8th एवं 9th क्लास उन्होंने जयपुर के टैगोर स्कूल से, 10th क्लास बीकानेर में अपने ताऊजी के यहाँ से, व 11th एवं 12th क्लास खंडेलवाल स्कूल से कम्प्लीट की। जब हर्ष के माता पिता की शादी हुई तो शादी के 11 वर्ष तक उनकी कोई संतान नहीं हुई, और इंडिया में जब किसी शादीशुदा जोड़े के यहाँ संतान नहीं होती तो लोग पंडित जी के यहाँ जाते हैं। तब पंडित जी ने 2-3 दिन तक कुंडली का मिलाप करके हर्ष के पिताजी से बोला कि धीरज रखिए, क्योंकि महापुरुषों को आने में टाइम लगता है। हर्षवर्धन अपने गांव के स्कूल से लेकर LLB तक हमेशा पढ़ाई में एवरेज ही रहे, लेकिन वे बताते हैं कि क्योंकि वे अपने स्कूल के सबसे शैतान बच्चे हुआ करते थे, इसलिए टीचर्स उन्हें क्लास कैप्टन बना दिया करते थे, जिससे क्लास में शांति रह सके, जिसकी वजह से वे फर्स्ट क्लास से लेकर LLB तक हमेशा क्लास कैप्टन रहे। चैट विद सुरेंद्र वत्स के एक एपिसोड में अपने बचपन के बारे में बात करते हुए हर्षवर्धन बताते हैं कि जब वे 3-4 साल के रहे होंगे तभी से वे अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तालाब पर जाने लगे थे, जिससे वे 5-6 साल तक की उम्र में एक अच्छे तैराक बन चुके थे तथा गाँव के बड़े बच्चों को देख कर पहले 4-8 फीट, फिर 10-15 फीट और फिर 40-40 फीट गहरे कुओं में उतरने की आदत डाल ली। इतनी गहरी जगहों में तैरने की वजह से वो कई बार उनके पिताजी उन्हें तालाब से घर तक पीटते हुए ले जाया करते थे। इस तरह से 10-11 साल तक की उम्र तक हर्ष तैरने में महारत हासिल कर चुके थे। हर्ष कहते हैं कि अपने बचपन के इस दौर में वे एक तैराक बनना चाहते थे, लेकिन इस तरह प्रोफेशनली आगे ना बढ़ने की वजह से वे तैराक ना बन सके। हर्ष बताते हैं कि 11-12 वर्ष की उम्र तक आते आते उनके अंदर क्रिकेट खेलने का भूत सवार हो गया था। वे पूरे पूरे दिन भूखे ही क्रिकेट खेलते रहते थे, या फिर उनके घर वालों को उन्हें ग्राउंड तक खाना पहुंचाने आना पड़ता था, क्योंकि उनके अंदर क्रिकेट का इतना ज़्यादा भूत उछड़ा था कि उन्हें घर वालों की तरफ से पिट जाना मंजूर था, लेकिन क्रिकेट छोड़ना नहीं। अपने बचपन के दिनों में हर्ष अपने इलाके के सबसे धुरंधर बैट्समैन हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की सारी ट्रॉफी बनवाना, जीतना, अपने गांव में 5-7 सीमेंटेड पिचेस बनवाना, टूर्नामेंट करवाना, ये सारे काम हर्षवर्धन ही अपने गांव में किया करते थे। हर्षवर्धन ने टूर्नामेंट में खेलते हुए 19 सेंचुरीज मारी थी। चैट विद सुरेंद्र वत्स के एक एपिसोड में बात करते हुए हर्ष मजाक में कहते हैं कि मेरे नाम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट 29 बॉल में सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड है। जब सुरेंद्र वत्स पूछते हैं कि यह कैसे, तो उन्होंने कहा कि 37 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद मैंने 20-22 साल के बच्चों के साथ एक टूर्नामेंट खेला, जहाँ पर मैंने 29 बॉल पर सेंचुरी मार दी। तैराकी एवं क्रिकेट के अलावा हर्ष को बचपन में एक्टिंग करने व गाना गाने का भी शौक था। वे बताते हैं कि जब वे गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे, गांव में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्हें महत्वपूर्ण कलाकार का रोल दिया जाता था। जब वे 9 साल के थे तब उन्होंने गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक ग्वालियर का नाटक किया था, जिसमें उस जमाने 1989 में उन्हें 1100 रुपये का पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरीके से हर्षवर्धन जैन जी का बचपन बड़े ही हंसी खुशी व मस्ती के साथ बीता। अपनी स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद हर्षवर्धन जैन ने बीएससी करने के लिए एक कॉलेज में दाखिला लिया, पर हर्ष का पढ़ाई में मन लगता ही कहाँ था, उन पर तो क्रिकेट खेलने का बहुत ही सवार था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हो गए। ये फेल होना था या कि उनके आत्मसम्मान को ठोस लगना। जब वे फेल हुए, उसी दिन से उन्होंने अपनी हीरो पुक स्कूटर की चाबी, जो कि उनके फादर ने उन्हें कॉलेज जाने के लिए दिलाई थी, वापस रखी और बस से कॉलेज जाना शुरू कर दिया, जहां पर उन्हें 3 रुपये रोज किराए के रूप में अपने पिताजी से मिलते थे, लेकिन वे घर से मेन मार्केट तक आने जाने का किराया 1 रुपये पैदल चल के बचा लिया करते थे, तथा 3 दिनों बाद 3 रुपये इकट्ठे होते तो कॉलेज से जाते वक्त जयपुर की एक जगह चांदपोल पर 3 रुपये की कड़ी कचौड़ी खाया करते थे। बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र चुना व आगे की कॉलेज दर्शन शास्त्र से खत्म की। दर्शन शास्त्र में उनका काफी इंटरेस्ट था, उसे पढ़ने में उन्हें बड़े मजे आया करते थे। लेकिन जब वे साल 2000 में अपनी कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे, तब उनके एक दोस्त ने उनसे आकर कहा कि चल, अमेरिका की एक कंपनी आई है जो कि जिंदगी बदलने की बात कर रही है।
जब वे वहां गए तो उन्होंने लोगों को स्टेज में नाचते गाते मस्ती करते हुए देखा, जो कि उनके स्वभाव से मैच कर गया और वो भी उन्हीं के साथ मस्त हो गए। तो इस तरह से हर्षवर्धन जैन जी की नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हुई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सफर इतना आसान कहाँ। ज्वाइन होने के 2 महीने तक वे अपने दोस्त रिश्तेदारों से यह कहते रहे कि आओ जुड़ जाओ जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उनकी एक ज्वाइनिंग ना हुई। तब उन्होंने अपने अपलाइन से जाकर वो सारी ट्रेनिंग्स ली जो कि एक कुशल नेटवर्क मार्केटर में होनी चाहिए, और फिर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में सन 2001 में दिल से मेहनत की और फिर पीछे मुड़कर ना देखा और वे MLM इंडस्ट्री के ही बन के रह गए। लेकिन सन 2006 में उनकी पहली कंपनी बंद होने की वजह से उनका सब कुछ फिर से जीरो हो गया। लेकिन उन्होंने फिर से नई MLM कंपनी के साथ शुरुआत की व फिर से पहले की तुलना में 2 गुनी कमाई की। लेकिन सन 2011 में कुछ मनी सर्कुलेशन करने वाली MLM कंपनीज की वजह से सरकार ने सभी MLM कंपनी को बंद कर दिया। तब सन 2011 में अपनी इंडस्ट्री के बचाव के लिए हर्षवर्धन जैन सर को 37 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। और वे बताते हैं कि उन 37 दिनों में जेल में बैठे बैठे उन्होंने 70 किताबें पढ़ ली थी जो शायद वो बाहर रहते तो कभी ना पढ़ पाते। वो कहते हैं ना कि खुदकिस्मत है वो लोग जो कि खराब परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लिया करते हैं। तो हर्षवर्धन जैन सर उन्हीं कुछ खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। हर्षवर्धन सर जैसे और अन्य लोगों के प्रयास से सन 2016 में भारतीय सरकार ने MLM के ऊपर एक गाइडलाइन बनाई जिससे MLM को इंडिया में एक कानूनी स्थायित्व मिला। आज हर्षवर्धन सर MLM लाइफस्टाइल कंपनी के टॉप अर्नर एवं अचीवर हैं। आज उनके पास मर्सिडीज, BMW जैसी कारें व शानदार बंगले हैं, और आज वे लोगों को अपने मोटिवेशनल सेमिनार में जीवन में सही संस्कारों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज YouTube पर भी हर्षवर्धन जैन सर की एक बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग्स है और उनके YouTube चैनल पर लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे आशा है कि हर्षवर्धन जी की इस बायोग्राफी से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।